अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो रहा है। 6:30 और अभी मैंने जाकर व्लॉग स्टार्ट किया है। मैं गई थी उधर क्या कहते हैं उसको उसको परिंदों को दाना डालने के लिए। बस वो थोड़ी सी क्लिप आप लोग देख लें। जब जब मैं इनको दाना डालती हूँ कुछ अच्छा होता है। सब आएंगे देखने। नहीं आ रहे आओ, आओ, आओ। उनके पास जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएंगे। आएंगे, आओ देख सब आएंगे। आओ आओ भाग के, भाग के। चलो कबूतरो मेरे लिए दुआ करो कि मैं ठीक हो जाऊं जल्दी से। मैं टपे जल्दी से ठीक हो जाए। मैं जो कब से यहाँ पे डाक है कुएं से। उड़ रहे हैं ना अभी यहाँ पे, इनको मैंने उड़ाया है ना। उड़ कैसे रहे हैं लोग यहाँ पे? इंजॉय हो रहे हैं, इंजॉय में पार्टी चल रही है। अभी यहाँ पे सब आएंगे खाएंगे के दाल में वहाँ फेंके, अंधों को नजर नहीं आ रहा। देखो 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 इंजॉय करवा रहे हैं कि हम आपको, हम आपके साथ खेल रहे हैं। हम देखें फिर से करेंगे। अभी लोग वहाँ आगे जहाँ पे मैंने इनके लिए दाल डालती। वो कैसे 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 सब उड़ उड़ के आ रहे हैं। इनको भूख लगती होगी ना बेचारों को शायद, इसलिए अब सभी पूरी फैमिली आ गई यहाँ पे। दुआ कर लिया मेरी तबीयत हमेशा के लिए बिल्कुल ठीक हो जाए और पूरी सारी जो फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं सब खत्म हो जाए और सब ठीक हो जाए। चले मेरे घर आई हुई क्योंकि आज मैं छोटी तबियत ठीक नहीं थी, तो मेरे को लगा कहीं मैं ऊपर ना चली जाऊँ तो चेक करके आऊँ कि बेटी जिंदा है कि मर गई। नहीं नहीं ऊपर नहीं जाना, ऊपर जाना, ऊपर जाऊँगी आपको साथ लेके जाऊँगी। हाँ मुझे पहले मुझे भेजना। नहीं तुम नहीं, हम दोनों साथ चलेंगे और एक गट्टू और गीती को भी ले चलेंगे। ठीक है तब जाएंगे जाएंगे। खैर अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं बाहर क्योंकि थोड़ा सा बाहर भी जाना चाहिए ना घर से। कब से अम्मी आ जाइए कितने दिनों के बाद घर, तो थोड़ा सा बाहर लेके जाते हैं उनको, थोड़ा घुमाते हैं। अभी तुम्हारी अम्मी और मेरी अम्मी ना बातें कर रही हैं एक दूसरे की, बातें बता रही हैं दोनों बहुत शैतान है। लोग पहले गए थे डॉक्टर के पास, उनसे मैंने मेडिसिन ले ली है, तो उन्होंने कहा एक हफ्ते के बाद फिर से चेक कराना क्योंकि मुझे बार बार बुखार आता रहता है। बस अभी हम लोग वापस घर जाने लगे। मम्मी ठीक है? ठीक है। तो चाहिए और धक्का वक्का? नहीं धक्का नहीं चाहिए। चलो ठीक है अम्मी जाओ। शाहरुख खुशी तुम्हारी 1-5 खराब हो गई, कुछ हो रहा है? आई गैलरी पर मैंने अपने जो है आँखें चेक करानी थी, क्योंकि इसके सर दर्द बहुत रहता है, आँखों में दर्द रहता है, तो हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तो मैं आज यहाँ से ना ग्लासेस वगैरह अपने बनवा लूँ। क्लासेस तो पसंद कर दिया। मुझे छोटे से बीबी दिखा है, इसके क्लासेस देखे कितने क्यूट लग रहे हैं ना इसके ऊपर। अल्लाह खूबसूरत है ना, मैं क्या बताऊँ उसको, दिखाती हूँ देखो तुम कैसे देखो। अच्छा आप सब पूछ रहे थे कि लैशेज जो है वो मैं कौन से लगाती हूँ, तो ये वो लैशेज है। इनका ना साइज़ मेंशन होता है, मतलब ये ना 8 से लेकर 12-14 तक होती है और ये मतलब साइज़ वाइज लगती है आँखों पे, मतलब जैसा क्लाइंट चाहता है वैसे आपको मिल रही है। और ये बिल्कुल सेपरेट सेपरेट होती है। मैंने बाबर दिलबर से भी यही वाली मंगवाई थी, बट गलती ये हुई मैं उनको पिक्चर सेंड करना भूल गई, तो खैर वो दूसरे वाले कर रहे हैं। लेकिन ये वाली भी बहुत, मतलब वो वाली भी अच्छी है। और बेसिकली लगती जो है ना लैशेज़ आँखों पर जो लैशेज लगती हैं वो ये वाली होती है,
तो इनका ये साइज है, बाकी डिटेल में इंशाल्लाह मैं वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगी, मैं इसमें जल्दी से ठीक हो जाऊँ। फिर अभी हम लोग आए हैं डॉलमैन मॉल में। असल में अलीना आई हुई थी शॉपिंग करने के लिए अपनी, तकरीबन 1.5 घंटे से यहीं पर ही है। तो मैं मुझे उसने कॉल किया, चलो मैंने कहा चलो मैं भी आ जाती, क्योंकि मैं भी घर में अकेली बैठी हुई थी, घर से निकल ही नहीं रही थी। घर में ना धूप आती है ना हवा आती है, तो कभी कभी जब मैं इसलिए ज़्यादातर घर से बाहर रहती हूँ ताकि कहीं से तो मुझे ठंडी नहीं हवा मिले, क्योंकि हमारे पास 1 किलो में तो उसमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है गाइस। तो अभी हम लोग चल रहे हैं डॉलमैन मॉल और बस चलते हैं। और क्या, हम लोग अंदर तो आ चुके हैं, अभी हम लोग जाएंगे लिफ्ट से भर के काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाना है, फूड कोर्ट पे जाना है। शाहरुख को देखिए कैसे खामोशी पे खड़ा हो, जैसे इसका लास्ट टाइम चल रहा हो। आ चुके हैं फूड कोर्ट में, भी जाएंगे बाहर। फिर ऐसा एलिफेंट दिख गया, अलीना एलिफेंट और ये एलिफेंट, बहुत एक्स्ट्रा लार्ज शर्ट मिली है, बहुत बड़ी है। चलो हम देखते हैं और सारी कलेक्शन है, बट मैडम कुछ पसंद आया। यहाँ से सैयद के दिल के आउटलेट से मैंने लिया है नीम जेल, लिया है मैंने नीम जेल, जो कि मतलब हर जब भी आप बोलते हो उसके बाद अगर आप जो एक्नी होती है, स्कार्स होते हैं, पोर्स होते रहते हैं, उसको ना ठीक करने के लिए, और तो और ये स्किन भी वाइट करता है। और इसके प्राइस जो है 350 रुपीज़ हम, हाँ ये थोड़ा पाकिस्तान में चीप प्राइस में, बट ये बहुत अच्छा है काफ़ी जेल्स की नस्बत। नैना क्या हुआ है? अच्छा, तो इसको रात को मैदे में दर्द पड़ गया, तो इसको भी लेके जाना है हॉस्पिटल, 1 बजे का टाइम हो रहा है और हॉस्पिटल 1 ही खुले होते हैं, मेरे घर के बड़े बड़े हैं, तो अभी चलते हैं। चलो आ जाओ, तुम लोग अभी आ गए जब मैं तो हॉस्पिटल, अभी अंदर जाने लगे। अच्छा, तो अभी इसको मैंने दवाइयाँ खिला दी हैं और ये भी सो गई है, सारी मेडिसिन थी जो मैंने इसको दी है। और अभी इसको मैंने बोला समझो सो जाओ ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। तो आज ये दूसरा दिन है और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 12 बज के कोई 3-4 मिनट हो रहे हैं, और स्टिल मेरे पेन तो है, काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, बट क्या करें, पेन को तो साथ लेके चलना क्योंकि ठीक हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैंने 2 बार डॉक्टर के पास गई थी, मेडिसिन ले रही हूँ, बोला करें हो जाए फिर। और आप लोगों ने भी दुआ करनी है, और वैसे मैंने ग्लासेस के लिए भी कह दिया हुआ है, और मेडिसिन भी मतलब प्रॉपर मैं अपना इलाज कर रही हूँ, कि आप सब कह रहे थे कि डॉक्टर के पास जाओ प्रॉपर इलाज कराओ, तो वो भी मेरे ग्लासेस जो हैं वो कल आ जाएंगे, और जो मेडिसिन है वो तो मैं ले रही हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द फर्क पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कुछ भी हो जाए बस मैं जल्दी से तबीयत ठीक हो जाए। बाकी डाइटिशियन से भी बात की है, उन्होंने भी कहा कि आपको एक डाइट प्लान दूँगी जिससे आपकी तबीयत जो है और जितने भी आपके बॉडी के इशू वो सब ठीक हो जाएंगे। तो खैर देखिए, डॉक्टर के पास भी जा रही हूँ, चश्मे भी लगवा रही हूँ, डाइटिशियन के पास भी जा रही हूँ, दुआ भी कर रही हूँ, आप लोगों ने भी दुआ कर दी, अल्लाह कर जल्द से ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मैंने पहले से खुद को बहुत ज़्यादा मतलब वीक देखा है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली भी और फिज़िकली भी मैं बहुत ज़्यादा मतलब बीमार हूँ, तो बस दुआ करें। और इसी के साथ साथ आप आज का ब्लॉग यहीं पर रन करते हैं, आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मैं मिलेगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, दुआओं में और अच्छी यादों में, याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।